वेलकम एवरीवन, मैं हूं कश्यप राज। आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस में स्वागत है। मैं आप लोग के साथ आज केमिस्ट्री के फैकल्टी के रूप में एसिस बेस एंड साल क्लास टेंथ का बहुत बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि एक ऐसा चैप्टर है आप लोग को जी मेंस हो गया या जनरल कॉम्पिटेटिव और भी सारी एग्जाम में बहुत सारी जरूरत पड़ती है। एसिड के साथ आज हम आप लोग को प्रॉपर्टी ऑफ एसिड भी पढ़ाएंगे और भी एसिड के काइंड से द्वारा कितने सारे पार्ट्स बने एसिड का उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। एसिड, आज हम आप लोग के सामने एसिड का पॉइंट लेके आए हैं। एसिड एंड एसिड इज ए मॉलिक्यूल्स और आयन कैपेबल टू डोनेटिंग ए हाइड्रोजन एच प्लस आयन। नॉर्मल से लैंग्वेज में तो जो एच प्लस आयन डोनेट करता है उसे हम लोग एसिड कहते हैं, और अनदर लैंग्वेज भी देखते हैं वो क्या कहता है। एंड एसिड इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एच प्लस आयन जो डोनेट करता है उसे लुईस एसिड भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा एसिड का डिफाइन हो गया। तो फिर से एक रिवाइज करते हैं, एसिड क्या है। एंड एसिड इज ए मॉलिक्यूल्स और आयन्स कैपेबल फॉर डोनेटिंग ए हाइड्रोजन, मतलब एच प्लस आयन को डोनेट करने वाला जो ग्रुप होता है उसको एसिड कहते हैं, ठीक है। सेकेंड में आते हैं, एंड एसिड इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड विथ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उसे हम लोग एसिड कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में आते हैं प्रोड्यूस, क्या है फर्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एच प्लस आयन जो प्रोड्यूस करता है वो हमारा H2O में, तो उसमें प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया सॉर इन टेस्ट, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हो गया टर्निंग लिथमस टू रेड, ब्लू लिथमस पेपर टू रेड लिथमस पेपर में जब चेंज होता है कलर उसको, वो भी हमारे प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में ही आते हैं। ये शो करता है ये हमारा एसिड है, जब कलर चेंज होता है ये शो करता है कि ये हमारा एसिड है। और उसके बाद आता है एसिड जब भी होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में वो सॉल्यूशन में चेंज करता है। सॉल्यूशन वो होता है जिसमें दो लिक्विड मिक्सअप किया जाता है एक इक्वल प्रोपोर्शनल से रेशियो में, वो सॉल्यूशन कहलाता है। उसी प्रकार सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन रहेगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब इलेक्ट्रो की लाइटिंग की तरह बिहेव करेगा, उसमें हमारा एसिड रहेगा। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हम चार पॉइंट देख चुके थे, अब इसके आगे वाले पॉइंट में हम लोग आते हैं। तो इसके आगे वाला फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है। एसिड में तो न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, मतलब न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोक्साइड कैरिंग होता है, हाइड्रोक्साइड आयन कैरिंग होता है, ठीक है। एसिड्स में, एसिड का प्रॉपर्टी में फिफ्थ पॉइंट न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयन। एंड सिक्स पॉइंट क्या कहता है, एसिड जब भी रिएक्ट करता है तो सेवरल मेटल से रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस, सेवरल मेटल से जब एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है। और एट पॉइंट है रिएक्ट विथ कार्बो, एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट रिलीजिंग CO2 गैस, मतलब जब एसिड कार्बोनेट मतलब कार्बनिक कंपाउंड से जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस रिलीज करता है। उसके अकॉर्डिंग एक लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8, उसके बाद एक और भी पॉइंट है पॉइंट नंबर 9 प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में। एसिड जो होता है वो अगर किसी बॉडी पे डाला जाए तो वो उसका बॉडी का जो टिश्यू होता है मतलब स्किन होता है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब पूरा जला देता है, डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यू एसिड। एसिड लास्ट एंड लास्ट पॉइंट एसिड प्रॉपर्टी में 9th कॉरिडोर मेटल सरफेस क्विकली, जो मेटल का जो सरफेस होता है उसमें एसिड डालते हैं तो उसको जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी उस पर असर आप देख सकते हैं, वो खोलने लगता है, मतलब आप देखे होंगे जब मेटल सरफेस में जब भी एसिड को ड्रॉपलेट गिराया जाता है वो बहुत उबलन टाइप का करने लगता है। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हमारा 9th पॉइंट था, आज प्रॉपर्टी ऑफ एसिड खत्म होता है, अब उसके आगे आते हैं। अभी तक हमने देखा था एसिड क्या होता है, फिर प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या देखा था, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हमारा 9 पॉइंट था, उस 9 पॉइंट का हर एक आप मेजर रोल देख सकते हैं और देखते ही होंगे। तो आप लोग के चैप्टर में ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से और भी डिफाइन होगा, बट उसके आगे हम आते हैं। एसिड को क्लासिफाइड किया गया है बहुत टाइप्स में, तो फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ते हैं एसिड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब उसके कैसे एसिड को पहचान होता है, उस ऑरिजिन के अकॉर्डिंग हम एसिड को क्लासिफाइड किया गया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक मतलब जान सकते हो ऑर्गेनिक होता क्या है, ऑर्गेनिक मतलब जान सकते हो ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिक से जो ऑब्टेन किया जाता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिक से जो हमें मिलता है उसके हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, मतलब जो दिया हुआ है उसको हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उसको हम बना नहीं रहे, वो एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कह देंगे, ठीक है।
तो ऑर्गेनिक एसिड क्या है उसको देखते हैं। ऑर्गेनिक एसिड डिराइव फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेन, मतलब लिविंग ऑर्गेन से जो एसिड मिलता है उससे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज करने मतलब प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, तो ये सब लिविंग है, हम लोग जीते हैं ना, तो वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत नेसेसरी और आपके बुक में होगा, और ये एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन राइज होते हैं कि आपको पूछा जाएगा क्रिटिकल एसिड कौन से कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल हम लिख दिए पाँच छः, बट और भी एग्जाम्पल होते हैं, बट इतना आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, क्वेश्चन में टाइप्स भी मिलेगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है क्रिटिक एसिड। क्रिटिक एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट्स, मतलब वो फ्रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड विनेगर, मतलब वो जो होता है उसमें आपको एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में पाया जाता है, टमाटो हमारा ऑर्गेनिक में आता है, विनेगर ऑर्गेनिक में आता है, फ्रूट्स ऑर्गेनिक्स में आता है। टैरेटेरिक एसिड प्रेजेंट इन टारमेट, इमली जो होता है इमली में हमारा टैरेटेरिक एसिड पाया जाता है। फिर आता है लैक्टिक एसिड जो कि सॉर मिल्क, मतलब दही और दूध में पाया जाता है। तो ये हमारा एसिड ऑर्गेनिक एसिड में इतना सारा पॉइंट है, उसका इतना एग्जांपल जो कि बहुत नेसेसरी है। इससे पहले हम लोग देखे थे ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड देखने के बाद हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के बेसिस में ऑर्गेनिक एसिड देख चुके थे। फिर आता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड होता क्या है, एसिड डिराइव फ्रॉम इनऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक चीज़ से मिला जाता है उसको, उस एसिड को हम लोग मिनरल्स एसिड कहेंगे। ठीक है, दे आर बहुत वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक एसिड होते हैं, किसी पर केयर दिया जाए तो वो बहुत गंदी तरह जुलूस सकते हैं, मतलब वो पूरी गंदी तरह उनका टिश्यू होता है पूरा गायब हो सकता है, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, उसमें एग्जांपल में हम आते हैं इसका, एक एसिड का एग्जांपल सल्फेटिक एसिड, आप लोग नाम सुना हुआ होगा, बहुत सुने हैं, बहुत जाना पहचाना नाम है, H2SO4। H2SO4 हमारा सल्फेटिक एसिड है जो कि बहुत डेंजरस एसिड है। ठीक है, उसको अच्छे से कैरी किया जाता है क्योंकि वो बहुत डेंजरस है, लिखा ही हुआ है, लिखी दी है मिनरल एसिड में डेंजरस एसिड आता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इट इज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद आते हैं हमारा एसिड ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, एसिड में जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में आता है हमारा ऑर्गेनिक देखे थे, इनऑर्गेनिक देखे थे, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड देखे थे, फिर हम लोग मिनरल एसिड देखे थे। अब इसके बाद दूसरा एसिड में आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के हिसाब से एसिड का क्लासिफाइड किया गया है, जो कि एक आता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड कहता क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एक्वा सॉल्यूशन में वो पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब डिसोसिएट हो जाता है, उसमें उस एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड का भी हम 3-4 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो उसको देखना चाहिए पहले। नाइट्रेटिक एसिड HNO3, इसको नाइट्रेटिक एसिड कहते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड में पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है आयन उसका। ठीक है, H2SO4 सल्फेटिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में। इसका एक और पॉइंट है वीक एसिड, अब हम वो दिखाते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड देख चुके थे। स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है, जो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा लैंग्वेज, जो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाए उसका आयरन, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जो पूरी तरह डिसोसिएट ना हो उसका आयन जो होता है पूरी तरह डिसोसिएट ना होता है उसे हम लोग वीक एसिड कहते हैं। वही अब वीक एसिड में देखते हैं क्या है, वीक एसिड आर दोज एसिड विच डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इट्स आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में जो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं हो रहा है, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, उसको हम लोग वीक एसिड कहते हैं। तो वीक एसिड में हमारा दो एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल्स H2CO कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये हमारा वीक एसिड में आता है CH3COOH एसेटिक एसिड, जो कि हमारा वीक एसिड में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखे फिर से एक बार बताए थे, एसिड क्या होता है एसिड के बारे में देखे थे, एसिड का प्रॉपर्टी हम 9 प्रॉपर्टी लिखा था उसके बारे में देखे थे, फिर एसिड को हम दो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफाइड एसिड स्ट्रेंथ का से क्लासिफाइड किया गया था, और उसके बाद ऑरिजिन से क्लासिफाइड किया गया था, ऑरिजिन के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया था ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड बता दिए थे क्या होता है, जो ऑर्गेनिज से ऑब्टेन किया जाता है, मतलब प्लांट और एनिमल से जो एसिड मिलते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। उसके बाद फिर आता है मिनरल एसिड, जो हमारा इनऑर्गेनिक ऑब्टेन किया जाता है, जो कि डेंजरस एसिड होता है उसको हम लोग मिनरल एसिड कहते थे। अब उसके बाद फिर से रिप्रेजेंट कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में आते हैं, तो वीक एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है उसका आयरन, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। उसका भी 3 एग्जाम्पल किए जाते हैं HNO3 HCl। फिर वीक एसिड में हम 2 एग्जाम्पल लिखे थे H2CO
एंड H3CWH मतलब कार्बोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। वीक एसिड जो पूरी तरह एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होता है उसको वीक एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो पूरी तरह एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में इससे और आगे जानेंगे एसिड बेस एंड साल्ट तीनों के बारे में। बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है माइनर या मेजर जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। हमारा ये रिप्लाई आपको बहुत कुछ देर में ही आपको आ जाएगा। धन्यवाद।